गुजरात चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। एक तरफ जहां बीजेपी के सामने अपना गढ़ बचाने की चुनौती है, तो दूसरी ओर कांग्रेस अध्यक्ष बनने जा रहे राहुल गांधी के लिए यह लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। राज्य में आज पहले चरण के लिए मतदान चल रहा है और इस बीच पीएम के साथ ही राहुल गांधी ने भी लोगों से भारी संख्या में वोट करने की अपील की। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए 182 विधानसभा सीटों में से 89 सीटों पर पहले चरण के लिए मतदान जारी है। चुनाव में जहां राज्य के कई दिग्गजों ने अपना मत डाला, वहीं इससे पहले पीएम मोदी और राहुल गांधी ने गुजरात के लोगों से रिकॉर्ड मतदान की अपील की है। पीएम मोदी ने कहा कि गुजरात में पहले चरण का मतदान शुरू हो गया है, मैं लोगों से अपील करता हूं कि घरों से निकलकर गुजरात के लिए रिकॉर्ड मतदान का हिस्सा बने। मैं खासकर युवाओं से अपील करता हूं कि वो इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। वहीं कांग्रेस के भावी अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में कहा कि मतदाताओं की भागीदारी लोकतंत्र की आत्मा होती है। गुजरात चुनाव में पहली बार वोट डाल रहे युवा साथियों का बहुत स्वागत और अभिनंदन। गुजरात की जनता से अपील है कि भारी संख्या में मतदान कर लोकतंत्र के इस पर्व को सफल बनाएं। डीवी लाइव की रिपोर्ट।